वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी इमरान खान इन जेल रोस्ट, इमरान खान अरेस्ट रोस्ट, पाकिस्तान पॉलिटिशियन क्राइसिस रोस्ट, TWI ब्रो। और इनके चैनल का नाम है जी ओरिजिनल मेडिकल एक सर्विस, जो तो कल आज इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल और मैं हूं मोहम्मद समीर खोखर। तो इस अगला एक बात होगा स्टैट्स का। राणा सुनाउल्ला तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। और उधर इमरान खान के जेल में पहुंचते ही राणा सनाउल्लाह, जब निकाल मूंछ मेरी आप, मुझे याद नहीं। अबे निकाल निकाल, मैं कहता हूँ मूंछ निकाल, खत्म। पहले महीनों भर से चले आ रहे राजनीतिक चुतियापों के बीच आखिरकार कटोरा खान को जेल में ठूस ही दिया गया। और जैसे ही कटोरा खान की जेल में खातिरदारी शुरू हुई, भाई कटोरा खान ने बकचोदी भी बहुत फैलाई हुई थी। बंदर रोज सीना ठोक ठोक के दूसरी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दिया करता था। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुँचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। और कटोरा खान की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जो बंदर दूसरों को रुलाने की बात करता था, आज वो और उसकी पार्टी के नेता खुद रोते फिर रहे हैं। भाई कटोरा खान की बकचोदियों की वजह से मौजूदा सरकार ने उसकी पार्टी के नेताओं का वो हाल कर दिया है कि इमरान खान पार्टी के नेता जेल से ढंग से बाहर निकल नहीं पाते। कि सेनेटर एजाज चौधरी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीर मजारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। मलिका बुखारी को रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो सांस लेने दे। और इमरान खान पार्टी के नेता, उनकी तो भाई अलग ही कार्टूनबाजी चल रही है। बंदे गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़कों पर लौटते फिर रहे हैं। PTI के साबिक रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रियाज की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। डॉक्टर रियाज गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क पर लेट गए। ये तो मुद्दे लगा साला। उधर इमरान खान पार्टी का बकलोल नेता हलवाई फवाद चौधरी, उसको गिरफ्तार करने के लिए तो ऐसी FIR काटी गई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी वॉशरूम की टूटी और पाइप चोरी की FIR में भी नामजद है, जबकि फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी करने का भी इल्जाम किया गया है। ब्यूटीफुल। मतलब बंदे को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं मिला तो पाइप टूटी वायर चोरी के इल्जाम में ही FIR करवा डाली। और जैसे ही पाक पुलिस फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने पहुंची, रन मजा आया। और भाई वो यही बंदा था जो कल तक कहता फिर रहा था, सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। क्यों भाई पेटू, क्या हुआ? हवा निकल गई। भाई मौजूदा सरकार ने इमरान खान और उसकी पार्टी के नेताओं का वो हाल कर दिया है कि बंदे एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब्दुल रजाक खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा आमिर महमूद कयानी का सियासत छोड़ने का फैसला। PTI MPA बिलाल अहमद गफ्फार का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। एक के बाद एक रहनुमा का PTI छोड़ने का ऐलान। भाई आज स्थिति ये हो गई है कि इमरान खान पार्टी के आधे से ज्यादा नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और जो कुछ बंदे बचे हैं तो वो इसलिए ताकि समय आने पर वो कटोरा खान को कंधा दे सके, क्योंकि कटोरा खान की जेल में वो हालत कर दी गई है कि बंदा जेल में फर्स्ट क्लास सुविधाओं के लिए छटपटाता फिर रहा है और जेलर से डिमांड कर रहा है खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का, एयर कंडीशन लगा दो जेल में, टीवी चाहिए जेल में। लेकिन उधर ठहरी बरसों की खुंदस खाई सहवाज सरकार, वो कटोरा खान को अपनी बीवी नहीं देखने दे रहे तो टीवी का खाक देखने देंगे। और देखने दे भी क्यों, कटोरा खान ने क्या अपोजिशन का कम जीना हराम किया हुआ था? बंदा आए दिन रोज मुंह उठाकर मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा। अच्छा। और वक्त का पहिया अब ऐसा घूमा कि जो बंदा दूसरों को जेल में डालने की बात किया करता था वो आज खुद जेल में पड़ा है। भाई इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कटोरा खान इतनी बकचोदी कर कैसे लेता है? तो भाई इसका जवाब है, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, ये आपका वजीर आजम था। भाई कटोरा खान चरस दारू सुल्पा भांग भसूड़ा का इतना तगड़ा शौकीन है कि बंदा बिना इन पदार्थों के सेवन के एक दिन नहीं रह सकता। अब आप खुद सोचो बंदा जेल में कैसे काट रहा होगा। कैसे? अबे वही तो सोचना है। निगाला में पिया करता था, अडियाला में भी पी लेने दो। ये हालत सिर्फ कटोरा खान की नहीं है, इसके समर्थकों की भी यही हालत है। उधर इमरान खान चरस फूक कर स्टेज पर भाषण दे रहा होता है और दूसरी तरफ इसके भाषण सुनने आए इसके समर्थक, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा चरसी
कभी न मरसी। और यही वजह है इमरान खान समर्थक अपने मालिक के एक इशारे पर पूरा मुल्क फूकने को तैयार हो जाते हैं। उधर कटोरा खान ने एक इशारा किया, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। पाकिस्तानियों जो रुकावट आपके सामने, रुकावटे हटाओ, कंटेनर हटाओ, पुलिस अगर खड़ी है पुलिस को आगे से हटा दो। और जैसे ही इमरान खान समर्थकों को अपने मालिक का इशारा मिला, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे कप्तान को छोड़ दो, नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को जाम कर देंगे। और यही तो हुआ, कुछ महीनों पहले इमरान खान के एक इशारे पर पूरे मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया गया था। इमरान खान समर्थकों ने ऐसी कोई जगह इमारत नहीं छोड़ी होगी जिसमें तबाही न मचाई हो। पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों ने पेशावर में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर हमला किया है। पीटीआई के शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला कर दिया है। पीटीआई के कारकुनान ने फ्रंटियर कोर स्कूल एंड कॉलेज पर धावा बोलकर उसको तबाह कर दिया। पेशावर में पीटीआई के मुश्तिल कारकुनान ने मीडिया वर्कर्स पर हमला कर दिया है। जब कटोरा खान समर्थकों का इतने से भी मन नहीं भरा तो आर्मी हाउस की बिल्डिंग में पहुंच गए और जो बंदों ने वहां लूट मार मचाई है, मंजर देखने लायक था। बंदे आर्मी हाउस से मोर प्रिंटर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल, स्ट्रॉबेरी, केचप, जो हाथ लगा सब चुरा ले गए। और हत्तो भाई तब हो गई जब इमरान खान समर्थक आर्मी हाउस से तोप ही निकाल लाए। और कटोरा खान की हराम जादगी, पहले बंदा अपने समर्थकों को मुल्क फूकने के लिए उकसाता फिरता है और जब इसके समर्थक पूरा मुल्क फूक देते हैं तो बंदे का अपने और अपने समर्थकों के बचाव में कहना होता है पुरमन एहतजाज हो रहा, उनके ऊपर गोलियां चला दी। भाई ये था कटोरा खान का पूरा अमन एहतजाज, जो पोर्की पाक आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे वो तक पाक आर्मी को पेलने पर उतर आए। लेकिन कटोरा खान की माने तो पार्टी ने 27 साल कभी किसी किस्म का इंतजार नहीं किया। और उधर कटोरा खान की बकचोदी सुनने के बाद पाक आर्मी, मेरे को ये ना समझाएगी। जब पाक आर्मी ने कटोरा खान समर्थकों को रडार पर लेना शुरू किया, मर गया भैया, चलो भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। भाई पाक आर्मी ने कटोरा खान समर्थकों के जहन में आज इस कदर खौफ भर दिया है कि कल तक जो समर्थक इमरान खान के सपोर्ट में मरने मारने को तैयार रहते थे, आज उनमें से एक समर्थक भी इमरान खान के सपोर्ट में सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। अजीम लीडर गिरफ्तार हो गया और यहाँ पर एक भी कारकुन मौजूद नहीं है। और जो कुछ लोग इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर नजर भी आए तो पाक पुलिस को देखते ही वो लोग, एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुन, दूसरी जानिब पुलिस। लो जी अब देखते हैं क्या बनता है, आइए देखते हैं। पुलिस आ गई है जी। गुंडा बनेगा रे तू। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों पाकिस्तान में सिर्फ दो ही नारे हैं, पहला पाकिस्तान जिंदाबाद और दूसरा पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जिंदाबाद जो निकल जो, क्योंकि जितने लोग निकले यहाँ से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, ये एक अलग कहानी है। उन्होंने क्लिप्स को मोड करके वीडियो जबरदस्त थी और अच्छी क्लिप उन्होंने ऐड किए। वो जेल वाला क्लिप जो है वो उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था और वो शराब वाला और एडिटिंग इनकी नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत सारे क्लिप्स को मर्ज करके एक अच्छी वीडियो क्रिएट की और फन क्रिएट की है और क्रिटिसाइज करने का मौका सबको है और सबको आजादी है, किसी को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उनके बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितने लोग बाहर चले गए हैं और अपना मुस्तकबिल ढूंढने के लिए। एट दी एंड उन्होंने जो बात की है बीच में जो इंक्लूड हुए हैं उनके बाद आवाम जो है वो इधर उधर हो गई है और सामने नहीं आ रही थी और उसी की वजह से लोगों ने यही सोचा है कि आज़ादी राय है नहीं है और हम कहाँ पर बोलेंगे क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है हम निकल जाएँ, साइड पर हो जाएँ और अपना मुस्तकबिल देखें और अपनी ज़िंदगी बनाएँ। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। तो वैसी कुछ सिचुएशन थी और ये सब कुछ चल रहा था उसी दौरान, ये सब कुछ हुआ है और ये वीडियो क्लिप निकले हैं। ओवरऑल वीडियो जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और अच्छी क्रिएशन थी, मज़ा आया देख के। बाकी यार ये है कि कभी भी ये ऐसा दौर है सोशल मीडिया का कि इसमें कभी भी आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना तो वो किसी बुरे वक्त में ऐसा फिट हो जाएगा कि ऐसे हंसी बन जाती है। बाकी ये है कि ऐसे लफ्ज़ नहीं बोले, इमरान खान को ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। बहुत से लफ्ज़ जो बोले ना तो अभी ये वीडियो में यूज़ हुए हैं जिनसे वाकई एक हंसी वाला जो है टाइम बन जाता है, एंटरटेनमेंट वाली वीडियो बन गई है। क्योंकि ये जो ऐसे वक्त होता है ना इक्तदार, यार कभी भी इक्तदार ऐसा चीज़ है इसमें आने के बाद इंसान में थोड़ा सा ना वो गुरूर और तकब्बुर वाला जो है ना कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये भी जो है ना फवाद चौधरी साहब जो है ना ये सिर्फ बातों के शेर थे तो बाकी कुछ नहीं। गिरफ्तारी दे जाती क्या होता, मारा ही था उन्होंने। तो इसमें इतना जल्दी भागना नहीं चाहिए था
कि इतनी जल्दी पार्टी छोड़ दी, तो ये सब कुछ छतियां भड़के नहीं मारनी चाहिए। मेरा जो मानना है ना, कभी भी वक्त से पहले भड़के ना मारे, वक्त से पहले ना मारे। हाँ, अगर ये हुकूमत चली जाती, आपको कुछ ना होता, फिर आप भड़के मार लेते। हाँ, अभी भी ये मेरे ख्याल है इनका एक वो आदमी था जो अभी वीडियो में दिखाया, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो मेरे ख्याल के ऐसा रिपोर्ट है, वो नहीं पकड़ा गया इनसे। तो बाकी ऐसा ही है, वो जब बाहर आएगा, जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, वो आगे बढ़ के मार ले, उसका हक बंद है। तो बाकी दूसरी जो है ना, ये एक और इसमें बात मेरे को थी कि यार ये ऐसा जो है ना मजाइया वाले क्लिप जो थे ना, ऐसे क्लिप्स जो है ना, ये इतनी मतलब ऐसी फिटिंग की है, तो इसमें ऐसे पता चलता है जैसे मतलब वो कोई, अभी मैं यार नाम नहीं लेना चाहता, वाकई जैसे कोई कोई नशे वाली चीज़ खा के बंदा ऐसी बातें करता है। वैसे मजाया क्लिप नहीं आदमी को ऐसे बनाने चाहिए किसी के बारे में भी। इमरान खान एक यार सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा आदमी है, ये अभी इतना बुरा नहीं उनको यार पेश करना चाहिए। जिसने भी वीडियो बनाई है, ठीक है वीडियो आपकी अच्छी है, यार वो बहुत बड़ा आदमी है, आपकी नफरत होगी उनके खिलाफ जो भी आदमी है। यकीन करें हम उस जगह तक कभी नहीं पहुँच सकते। मैं टिकटॉक पर, मैं भी बात ये पहले कभी नहीं मानता था, टिकटॉक पर वो आदमी आया, उसके 3-4 दिन में कितने उनको उनके फॉलोअर बढ़ गए हैं, तो बहुत बड़ा नाम है यार। आप मतलब उनके खिलाफ मजाक बनाएं, पर वो हकीकत पे रियलिटी पे बनाएं, तो अभी तक कोई ऐसा क्लिप नहीं आया कि उन्होंने कोई नशे वाली चीज या की हो। ठीक है पर नशे वाली यार उनकी वो ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है। नशे वाले पाकिस्तानी खुद इन्होंने बदनाम किया हुआ है कि नशा करता है, गेम का नशा करता है, तो ये करता है वो करता है। ये मेरे को अच्छी बात नहीं लगी कि मतलब एक चीज का सबूत नहीं है तो हमको वो लफ्ज नहीं बोले। हाँ, बाकी नाराज ना होना इस बात से, क्योंकि मेरे को ये बात अच्छी लगी, मैं इसलिए ऐड कर दी। बाकी वीडियो जबरदस्त थी, एक अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए बाकी ठीक थी। बाकी जी वीडियो अच्छी थी और एंटरटेनमेंट के लिए बाकी अच्छी बनाई है वीडियो, और कोई शक नहीं है मजा आया है और हंसी भी आई है और इंजॉय भी किया है इसको। और बाकी सारी चीजें स्पोर्ट वगैरह जो भी है, सियासत में जो चल रहा है, अपनी जगह दफा करें सब, क्योंकि इमरान खान की अपनी गलतियां हैं जो आज ये पोत रहा है, सीधी सी बात है। ये तो है, अगर कुछ गलतियां ना करता तो आज वो इकदार नहीं होता। और दूसरा जो है वो उसके साथ टीम जो थी वो सारी गजू की थी, और वो सारे जो है वो निकल पड़े हैं, जिसने उनको रस्सी डाल ली है बस उसी के साथ है वो। तो बात ये है कि उनके साथ कोई भी मुखलस बंदा नहीं था, तो जिसकी वजह से वो आज फंसा हुआ है बंदा। तो नवाज शरीफ की तरफ मैं तो कहता हूँ वो भी निकल जाए भाई, तो अच्छा है ये, और जलालत से बच जाए, बेहतर है यार, सही है। यहाँ पे तो कौन सा कुछ होना है। तो फर्क ये है कि मजाक अच्छा था, फन अच्छा है इन्होंने क्रिएट किया है, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो देख के। और कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बंदा उसको बुरा मनाए या कुछ ऐसा करे, फन है, इंजॉय करें, हम इंजॉय तो कर सकते हैं और घर भी कर सकते हैं, चले थोड़ी देर लिए सही इंजॉय, इसी तरह इंजॉय कर सकते हैं, दूसरी तरह नहीं। तो बाकी मजा आया वीडियो देख के, इंजॉय किया जी। फन के लिहाज से वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन फन के साथ साथ इस वीडियो में एक बहुत बड़ा लेसन भी हमें सीखने को मिला, वो ये मिला कि जैसी करनी वैसी धरनी। मतलब कि कोई भी इंसान है, जब उसके पास कोई इख्तियार आ जाता है, कोई इख्तदार आ जाता है, तो उसे चाहिए कि उसका ठीक तरह से इस्तेमाल करे, क्योंकि जैसा वो कर रहे हैं, जो वो बो रहे हैं, उसको भी वही काटना है, उस पर भी वो टाइम आ जाता है। ये इमरान खान साहब जो हैं या हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है, पूरा मन एहतजाज का हर इंसान को हक है, लेकिन ये बहुत ही गलत था इमरान खान साहब ने जो लोगों को कहा कि इस तरह एहतजाज करें, ये करें, वो करें, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से नहीं, वो जो एहतजाज था ना वो पहले का एहतजाज, 9 मई का उन्होंने पकड़ के ले गए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान साहब अगर जेल में गए हैं या जो भी उनके साथ हुआ, तो इसमें उनका अपनी ही लाए अमल है, जो वो करते रहे आज उनको भी वही बिल्कुल वो तो भुगतना पड़ना है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो आज इनके साथ ऐसा कर रहे हैं दूसरी पार्टी, कल को उनके साथ भी ऐसा होता है। ऐसा कि वो मैंने सुना था कि वो जो कानून साजी इस टाइम कर रहे हैं ना, वो ही कानून साजी में खुद भी फंसेंगे। कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, आप किसी को भी उठा सकते हैं। नहीं पता क्या, वो उनके साथ भी होगा, बाकी ये है कि नहीं नहीं पता क्या बात है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को ना ताकतवर हलकों के, मैं उस टाइम भी बात की थी कि ताकतवर हलके थे उनके खिलाफ इनको नहीं बात करनी चाहिए। इन्होंने 2-3 गलतियां ऐसी की थी, मैंने उस टाइम ही आपको, आपके सामने भी बोला था और मैंने सोशल मीडिया पे भी बोला था कि ये इमरान खान को चीजें फंसा देंगी, देख लो आज फंस गया, इतनी पावर है, इतनी उसके पास पावर है। कहते हैं ना कि इसकी गलतियां हैं, हम ये तो नहीं कहते कि इसकी गलतियां नहीं है। अभी भी इलेक्शन है तो तभी जेल में आना पड़ा, अभी भी इमरान खान के बंदे टूट गए सब, अभी भी इलेक्शन को आए ना इमरान खान जीत जाएगा, पर असल उन्होंने इस जगह पर छोड़ना नहीं है। जो अभी भी देखो न्याय करवा रही पार्टी है ना, नून लीग और पीपल पार्टी,
वो जो अभी कानून साजियां कर रही है ना, एक ना एक दिन उनके गले पड़ने हैं। देखो ये मकवाते अमल है, कोई भी नून लीग करे या इमरान खान करे, जो भी करेगा ना ये मकवाते अमल दुनिया इसमें वो ही सामने आ जाएगा। मोदी की तरह आए काम करे, मैं इस चीज को मानता हूँ, काम करे, छोड़े बाढ़ में जाए दूसरे जो क्या कर रहे हैं, किसी का केस बने। जैसे देखो अमेरिका का बोला कि हम लोग ट्रंप को छोड़ देंगे, बड़ी बात है, ये बड़े लोग करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए था, इनको छोड़ दो अपना काम करो, लोग काम को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम करें। बाकी देखो मोदी सर है ना, मोदी सर काम कर रहे हैं, दूसरे अभी कितने उनके मुखालिफ खड़े हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोले, वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे हम लोग, वो ये कि हम जो आवाम है ना, हमें भी सोच विचार करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें इस चीज से सबक सीखना चाहिए कि ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनका कुछ भी नहीं होता, ये दोगले टाइप लोग होते हैं। देखिए अब इमरान खान साहब के जो जितने भी MNA या MPA थे, अब उनके ऊपर बुरा टाइम आया तो देखिए ये छोड़ तो आवाम को भी ये चाहिए कि इनको देखना और इनको समझना। पहली बात है यार, मैं पहले भी कितनी दफा कह चुका हूँ, जितने सियासतदान हैं उनकी दोहरी नेशनैलिटी खत्म कर, ना कोई बाहर जायदाद बना सके और ना कोई बाहर भाग सके। होगा नहीं, ये होना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए, नहीं बनेगा, कोई ना कोई अच्छा आदमी आएगा उसको, कोई सियासत में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल कब रखा गया? उसको जरूरत बन जाएगी, मजा आया, देख के एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।